हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एसएससी जीडी का नागालैंड का कटअप आप लोगों को बताने वाला हूं 2024 का क्या जाएगा नागालैंड का कटअप। तो अगर बात करें यहां पर तो सभी कैटेगरीज है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, और नागालैंड में दो तरह के एरिया होते हैं, जनरल और बॉर्डर एरिया। तो अगर बात करें EWS का, तो EWS का जनरल एरिया का गर्ल्स के लिए क्या कटअप जाएगा, तो वह होगा आपका 47, कितना होगा 47, और बॉयज़ के लिए कितना होगा 51 मार्क्स जाएगा, ठीक है। EWS में अगर बॉर्डर एरिया के लिए बात करें तो बॉर्डर एरिया के लिए गर्ल्स के लिए कितना होगा 44, ठीक है, और बॉयज़ के लिए कितना होगा 45, ठीक है। अगर वहीं पर हम बात करें SC कैटेगरी जनरल एरिया, तो SC कैटेगरी में जनरल एरिया में आपका गर्ल्स के लिए 55 होगा, ठीक है, और बॉयज़ के लिए कितना होगा, बॉयज़ के लिए आपका 52 होगा, ठीक है। SC कैटेगरी में अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में आपका गर्ल्स के लिए 47 होगा, ठीक है, और बॉयज़ के लिए 51। वहीं पर अगर हम बात करें ST कैटेगरी जनरल एरिया, तो ST कैटेगरी जनरल एरिया गर्ल्स के लिए 67 होगा और बॉयज़ के लिए 50 होगा। ST कैटेगरी में यहाँ पर बॉर्डर एरिया में यहाँ पर गर्ल्स के लिए 63 मार्क्स जाएगा और बॉयज़ के लिए 49 मार्क्स कटअप जाएगा, ठीक है। OBC की बात करें जनरल एरिया, तो OBC जनरल एरिया गर्ल्स के लिए 61, ठीक है, और बॉयज़ के लिए यहाँ पर 60 मार्क्स जाएगा, ठीक है। OBC बॉर्डर एरिया की बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए 56 और बॉयज़ के लिए 57। अगर हम जनरल कैटेगरी जनरल एरिया के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए 63 और बॉयज़ के लिए 65। वहीं पर अगर हम UR में बॉर्डर एरिया के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए 60 मार्क्स कटअप जाएगा और बॉयज़ के लिए 61। तो ये आपका था नागालैंड का कटअप। अगर आप लोग नागालैंड के हैं और वहाँ से SSC GD के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये कटअप आपका जाएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।